आज की कविता है कविता के बहाने और इसे कुंवर नारायण जी ने लिखा है। इसमें कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कवि कहता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। वह कहता है कि चिड़िया की उड़ान को देख करके मुझे नई नई कल्पनाएं आ रही हैं और मेरी कविता भी उसी तरह से उड़ान भरती है। कविता में नए भाव, नए रंग और नए विचार आते रहते हैं। कविता की इतनी ऊंची उड़ान होती है कि चिड़िया उसका ओर छोर नहीं जान पाती, यानी कि कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है। कविता न केवल घर के ही भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है बल्कि बाहर के संसार को भी बताती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में। मतलब यह है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर इधर उधर चिड़िया की तरह उड़ती रहती है यह चिड़िया भी नहीं समझ पाती है, यानी कि प्रकृति जो है असीम है और कविता का क्षेत्र अनंत है। इसमें अगर बात करें भाव सौंदर्य की तो कविता में चिड़िया की उड़ान से जो तुलना की गई है अत्यंत मनोरम है, बहुत ही सुंदर यह तुलना कवि ने की है। कवि ने चिड़िया की लाचारी और बेचारगी दिखलाकर कविता की उड़ान को उत्तम बताया है। फिर वह कहता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। पहले कविता की तुलना चिड़िया से करता है, फिर कविता की तुलना फूल से कर देता है कि कविता बिल्कुल फूल की तरह खिल करके आती है, पल्लवित होती है, लेकिन कविता का खिलना फूल भी नहीं समझ पाता है। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने की माने फूल क्या जाने कि फूल तो मुरझा भी जाता है लेकिन कविता कभी भी मुरझाती नहीं है और हमेशा अपनी भाव सुगंध बिखराती रहती है। कविता की यह खासियत बेचारा फूल कुछ भी नहीं जान पाता है क्योंकि फूल तो बस खिलता है और मुरझा जाता है। यहाँ पर जिस प्रकार से फूल खिल करके लोगों को सुगंध बांटता है उसी प्रकार से कविता भी अपने भावों से लोगों को प्रसन्न करती है। बात आ जाती है भाव सौंदर्य की तो कविता और फूल की तुलना बहुत ही मनोरम है। कविता की तुलना में फूल कितना बेचारा है, ससीम है, यानी उसकी सीमाएं हैं, लेकिन कविता अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं, फूल क्या जाने में मानवीयकरण किया गया है। मानवीयकरण करना होता है किसी भी वस्तु को मानव में परिवर्तित कर देना। फूल से मानव की तरह ज्ञान की अपेक्षा की गई है। कविता ना तो गई है ना छंदबद्ध है, गाया नहीं जा सकता है और छंदबद्ध भी नहीं है। फिर वह कहता है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि कविता बच्चों की तरह का एक खेल है जिसमें कवि शब्दों के साथ खेलता है और वह नए नए विचारों के साथ खेलता है। जैसे बच्चे कभी इस घर जाते हैं कभी उस घर जाते हैं तो वह खेलते हुए उसके मन में कोई भेदभाव नहीं रहता है। उसी प्रकार से कवि शब्दों के साथ खेलते हैं, यानी शब्दों के खेल से वह अपनी कविता की रचना करते हैं और बाहरी संसार कभी घर के संसार और सभी को अपने मनोभावों से वाणी देता है। वह सभी को बराबर मानते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। भाव सौंदर्य की बात करते हैं तो प्रथम पंक्ति में सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, इसमें आत्मीयता और स्वाभाविकता जो बच्चों में होती है उसका दर्शन है। कवि ने बच्चों की क्रीड़ा और कवियों की क्रीड़ा दोनों को समान बताया है। फिर वह कहता है,
यहाँ पर अगर भाषा की बात करें तो भाषा सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। भाषा के शिल्प सौंदर्य के और भाव सौंदर्य के प्रश्न इसमें आ जाते हैं। प्रत्येक कविता पाठ और कवि की भावनाओं के अनंत अवकाश में उड़ने वाली होती है। उसमें मनुष्य को सांसारिकता से ऊंचा उठाने और आदर्शों के संसार में उड़ाने की शक्ति होती है, इसलिए कविता में उड़ान दिखाई गई है। जिस प्रकार से बच्चों में भेदभाव नहीं होता, उसकी तुलना कवि से की गई है। उसमें पक्ष या विपक्ष का कोई अंतर नहीं पाया जाता। कविता ऐसे फूल के समान होती है जिसका अर्थ, प्रभाव और सौंदर्य कभी भी खत्म नहीं होता है और यह हमेशा लोगों को खुशबू प्रदान करती रहती है।